हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई रीता मैम, टीचर ऑफ स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। सो प्यारे बच्चों, आज हम सुनते हैं एक और नई स्टोरी। सो बच्चों, जन्मदिन का नाम लेते ही हम सोचने लगते हैं बहुत सारी खुशियाँ, खूब सारे फ्रेंड्स, टॉफी, चॉकलेट और बहुत सारे गिफ्ट। तो बच्चों, आज की स्टोरी है जन्मदिन का उपहार। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। बच्चों, ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की। बच्चों, एक बार विपुल नाम का बच्चा उदास बैठा हुआ था और वह रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि बच्चों, उसका एक मनपसंद, उसका फेवरेट डॉग था जिसका नाम था शैंकी। तो बच्चों, शैंकी नामक एक कुत्ता था, वो उससे बिछड़ गया था, वो खो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो मन मन में सोच रहा था कि मेरा डॉगी मेरे पास में होना चाहिए था, वो खो गया। उसको बच्चों याद आ रहा था उसके घुंघराले बाल, उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें, और जब भी वह विपुल खेलता था तो शैंकी उसके लिए बॉल मुंह में लाकर देता था और अपनी पूंछ हिलाते हुए उसकी गोद में आके बैठ जाता था। उसकी याद में बच्चों विपुल बहुत ही ज़्यादा खोया हुआ था। उसके माता पिता, चाचा चाची, बड़े भाई बहन उसे सब समझाते, लेकिन विपुल को तो बस अपने प्यारे से शैंकी की याद आती है। इसी को याद करते करते बच्चों, एक महीना बीत जाता है। एक महीने के बाद आता है विपुल का जन्मदिन। सो बच्चों, जन्मदिन आता है और उसकी मम्मा उसके लिए बनाती है चॉकलेट केक, वो भी अपने हाथों से, और उसे एक प्लेट में लेकर उसके रूम में जाती हैं और कहती हैं, बेटा विपुल, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक बनाया है। लेकिन वह बहुत ज़्यादा उदास बैठा हुआ था, अब मम्मी को देखते ही वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। अब शाम को क्या होता है, उसके फ्रेंड वगैरह आते हैं, उसके दादा दादी, उसके चाचा चाची, पास पड़ोस के बच्चे भी आते हैं। सो वो उसका जन्मदिन मनाने के लिए खड़े होते हैं और तब उसकी मम्मा उसे कहती हैं, बखलो विपुल, केक काटते हैं। लेकिन जो विपुल की दादी होती है वो कहती हैं विपुल से, बेटा जो हम आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आए हैं, पहले आप इसे खोल कर देखो। तो फिर क्या होता है, सभी उसके फ्रेंड भी जिद करने लगते हैं कि चलो पहले इन गिफ्ट को खोल लेते हैं। सो बच्चों, जब वह दादी माँ का गिफ्ट खोलता है तो उसमें से निकलता है प्यारा सा डॉगी, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, खूब ज़्यादा खुश होता है। सो ऐसे ही बच्चों, वह एक एक करके गिफ्ट खोल रहा था। सो बच्चों, अब आप बताइए कि और सारे गिफ्ट में क्या हो सकता है, ये सोचकर बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। सो बच्चों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। सो बच्चों, एक एक करके वो सारे गिफ्ट खोलता है, तब उसमें बहुत सारे डॉगी होते हैं, बहुत सारे। अब जिसे देखकर जो विपुल होता है वो तो फूले नहीं समाता है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, और उसके जो फ्रेंड होते हैं ना, वो भी उन डॉगी के साथ में खेलने लगते हैं, मज़े करने लगते हैं। आप तो भैया, उसका मन करता है, अरे वाह, एक शैंकी के बदले इतने सारे शैंकी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। लेकिन बच्चों, तभी उसकी मम्मा को चिंता होने लगती है कि गिफ्ट में तो इसे बहुत सारे डॉगीज़ मिले हैं, बहुत सारे शैंकी मिले हैं, अब ये तो जो है घर गंदा कर देंगे, तो अब क्या किया जाए। तभी विपुल कहता है, कोई बात नहीं मम्मा, एक शैंकी तो मैं खुद रखूँगा, बाकी शैंकी जो होंगे वो रखेंगे मेरे दोस्त, और ये होगा मेरी तरफ से जन्मदिन का उपहार।
बदले का उपहार। सो बच्चों, वो अपने एक एक फ्रेंड को सभी, वो शैंकी जो होते हैं डॉगी जो उसके गिफ्ट में आए हुए होते हैं, वो सबको एक एक शैंकी गिफ्ट कर देता है। और पता है बच्चों, उसके फ्रेंड भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। और इस तरह से बच्चों उसका जन्मदिन मनाया जाता है। बच्चों खूब ढेर सारे गुब्बारे, खूब ढेर सारी चॉकलेट, आइसक्रीम, स्केट, बच्चों बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो बच्चों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? विपुल की, जिसे अपने शैंकी नामक कुत्ते से कितना ज़्यादा लगाव होता है ना, और बच्चों वो अपने फ्रेंड को भी उन्हें गिफ्ट करता है। सो बाय बाय बच्चों।